जल्दी से 5 भूखे पपीज के भूखे मुंह में गायब हो गया। डग अपनी पूरी कोशिश कर रहा था समझने की, खुद से कह रहा था कि 5 पपीज को शायद बहुत खाने की जरूरत होगी। हालांकि जब श्री कार्ल ने डग को नाश्ता पेश किया तो एक पिल्ले ने उसे काटने से पहले ही छीन लिया। श्रृंखला कार्ल फ्रेडरिकसन और उनके वफादार कुत्ते के एक मनमोहक दृश्य के साथ खुलती है। डग रसेल के साथ एक पिछले साहसिक कार्य के बाद कार्ल ने अभी अपने घर के गुब्बारे बेचे हैं और खुद और डग के लिए एक नया घर खरीदा है। बात करने वाला कुत्ता एक हाईटेक कॉलर से लैस कार्ल के साथ एक मिशन पर जाता है ताकि परफेक्ट हाउस ढूंढ सकें, जो वे अंततः कर लेते हैं। कार्ल अगले दिन घर को सजाने में बिताते हैं, जबकि डग अपने पसंदीदा नाश्ते मूंगफली का मक्खन टोस्ट का आनंद लेता है। हालांकि जब कार्ल कुछ उपकरणों के साथ चुपके से बाहर निकलते हैं तो डग को भनक लग जाती है और वह उनके साथ जो भी रोमांच हो उसमें शामिल होने पर जोर देते हैं। शुरू में कार्ल सख्ती से डग को अपने मिशन पर शामिल होने से मना करते हैं, लेकिन डग की अडिग जिज्ञासा उसे पिछवाड़े में घुसकर मदद करने की पेशकश करने की ओर ले जाती है। अपनी निर्दोष भावनाओं के बावजूद डग की उत्साहिता केवल कार्ल के कार्य को जटिल बनाती है, न कि उसकी मदद करती है। निराश कार्ल डग से अपने आदेशों का पालन करने की गुजारिश करते हैं, जिससे डग उन्हें अपना पिता तुल्य बताते हुए अपनी आज्ञाकारिता का वचन देता है। स्पष्ट हो जाता है कि डग पहले से ही कार्ल को एक पिता तुल्य मानता है। लंबी कहानी को छोटा करने के लिए कार्ल का प्रोजेक्ट एक पक्षी फीडर निकलता है, जिसे उसने बना लेने के बाद खाने से भर देता है। अपने कार्य से थककर कार्ल ने थोड़ा आराम करने और डग को निगरानी रखने का जिम्मा सौंपने का निर्णय लिया, लेकिन डग जल्दी ही देखता है कि कार्ल बहुत गर्म हो रहा है और उसे ठंडा करने के लिए अपनी पानी की खेल टब लेकर आता है। यह स्पष्ट है कि डग की कार्ल के प्रति वफादारी की कोई सीमा नहीं है और उसकी चतुर सोच सुनिश्चित करती है कि उसका पिता सुरक्षित और आरामदायक रहे। जैसे ही डग कार्ल के पक्षी फीडर की रखवाली कर रहा होता है, एक पक्षी उस पर आ बैठता है और डग पहले उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जल्दी से एहसास हो गया कि फीडर पक्षियों के लिए था और इसके बजाय उसने पक्षी को लौटने का आग्रह किया। लेकिन जब एक गिलहरी आती है जो फीडर पर छापा मारने का इरादा रखती है, तो डग और भी सतर्क हो जाता है और गिलहरी को चेतावनी देता है कि जब तक वह आसपास है वह किसी भी पक्षी के खाने पर अपने पंजे नहीं मार पाएगा। डग गिलहरी को खिलाने वाले स्थान से दूर रखने में इतना ध्यान लगाए रहता है कि वह पीछे से आकर चुपके से घुस आने वाली गिलहरी को नहीं देख पाता। जब डग फीडर के ऊपर एक अजीब शोर सुनता है, तभी उसे अपनी गलती का एहसास होता है। गिलहरी को भगाने की जल्दी में डग फीडर से टकरा जाता है, जिससे बीज और नट्स हर जगह उड़ जाते हैं। अराजकता के बावजूद डग गिलहरी को पकड़ने का अपना संकल्प बनाए रखता है, भले ही इसका मतलब हो कॉल के सावधानी से तैयार किए गए पौधों को रौंद देना। लेकिन अपनी पूरी कोशिश के बावजूद चालाक गिलहरी डग को चकमा देकर और सुरक्षित भाग निकलने में कामयाब रहती है। जब डग खिलाने वाले स्थान पर वापस आता है तो वो देखकर दोषी महसूस करता है कि खाना खत्म हो गया है और एक भूखा पक्षी वापस आ गया है। डग ने आखिरकार साहसिक कदम उठाते हुए मिस्टर कार्ल के घर से शेष पक्षी आहार उठाने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वह चारा ले जा रहा था उसने उस चालाक गिलहरी को नोटिस नहीं किया जो तेजी से घुस आई थी। जब उसने आखिरकार चोरी करने वाले कृंतक को देखा, डग का मिजाज भड़क उठा और उसने एक निश्चित दृढ़ संकल्प के साथ उसके पीछे दौड़ लगा दी। हालांकि अपनी पूरी कोशिश के बावजूद डग गिलहरी को पकड़ने में असफल रहा और अंत में वह खुद को एक पेड़ की डाली पर संकटपूर्ण रूप से टिका हुआ पाता है, जिससे निकलने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था। वह अपनी अगली चाल पर विचार करते हुए अचानक डाली टूट गई, जिससे डग नीचे जमीन पर गिर पड़े। डग के चोरी करने वाली गिलहरी के पीछे भागने से उत्पन्न हुए अराजकता ने गंभीर परिणाम दिए। गिलहरी का घोंसला तबाह हो गया, जिससे उसका सारा मेहनत से कमाया खाना नीचे सीवर के छेद में गिर गया। इस घटनाक्रम से आहत और निराश गिलहरी पूरी तरह हार मानने के कगार पर थी और यहाँ तक कि अपने जीवन का अंत करने का भी विचार करने लगी थी, जिसमें उसने डग के मुंह में अपना सिर डालने का सोचा। हालांकि उस प्राणी को ऐसी स्थिति में देखकर डग का गुस्सा करुणा में बदल गया और उसने गिलहरी को मिस्टर कार्ल की प्रिय मूंगफली का मक्खन तक देने की पेशकश की। लेकिन गिलहरी के चंचल व्यवहार ने जल्द ही डग के धैर्य को खत्म कर दिया और वह फिर से पीछा करने लगा। इस बीच मिस्टर कार्ल डग द्वारा की गई हलचल से जाग गए और गड़बड़ी पर गुस्से में थे। हालांकि डग के ईमानदार विवरण को सुनने के बाद मिस्टर कार्ल अंततः समझ गए कि डग के कार्य अच्छी नीयत से किए गए थे। उनके गुस्से को शांत करते हुए मिस्टर कार्ल ने डग को डांटने की अपनी योजनाओं को छोड़ दिया। अगले दिन डग उत्साहित था, अपने 5 कीमती खिलौनों के साथ खेल रहा था। इन खिलौनों से उसका इतना लगाव था कि वह किसी दूसरे प्राणी, यहाँ तक कि एक मक्खी को भी उन पर पंजा मारो। अचानक दरवाजे की घंटी की आवाज से पूरे घर में गूंज उठी, जिससे डग दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा। दरवाजे के उस पार एक महिला खड़ी थी, जिसने खुद को मिस्टर कार्ल का पड़ोसी के रूप में परिचय दिया। वह 5 प्यारे पिल्लों के तोहफे के साथ आई थी, जिन्हें वह मिस्टर कार्ल की देखभाल में छोड़ना चाहती थी। पहली नजर में ही डग 5 प्यारे पिल्लों से मोहित हो गया। जब मिस्टर कार्ल ने उनकी देखभाल के लिए कहा तो डग बहुत खुश हुआ। जैसे ही श्री कार्ल चले गए, डग ने खुशी से पिल्लों को पीछे के आंगन में ले जाकर दौड़ का एक रोमांचक खेल शुरू किया। शुरू में डग को पिल्लों की हरकतें प्यारी लगीं, लेकिन जल्द ही उनका व्यवहार शरारती हो गया। पिल्लों ने डग के कानों को चबाना शुरू किया, जिससे उन्हें कुछ असुविधा हुई। शीघ्र ही मिस्टर कार्ल कुत्तों के लिए दोपहर का भोजन लेकर आए और पिल्लों ने बिना समय गवाए भोजन का आनंद लिया। दुर्भाग्य से डग के लिए उसका अपना खाना भी जल्द ही वहीं हश्र हो गया। जल्दी से 5 भूखे पपीज के भूखे मुंह में गायब हो गया। डग अपनी पूरी कोशिश कर रहा था समझने की, खुद से कह रहा था कि 5 पपीज को शायद बहुत खाने की जरूरत होगी। हालांकि जब श्री कार्ल ने डग को नाश्ता पेश किया तो एक पिल्ले ने उसे काटने से पहले ही छीन लिया।
हालांकि निराश महसूस करते हुए भी डग जानता था कि शरारती पिल्लों पर गुस्सा होना बेहतर नहीं है। पिल्लों ने खाना खत्म करने के बाद तुरंत सो गए। डग को कुछ बहुत जरूरी आराम मिल रहा था, लेकिन किस्मत से डग ने गलती से अपने प्रिय खिलौनों में से एक पर कदम रख दिया, जिससे बहुत नुकसान हुआ। शोर, जिसने जोर से आवाज की और पिल्लों को जगा दिया। जैसे ही 5 उत्पाती पिल्लों ने डग के पसंदीदा खिलौने पर ध्यान दिया, उन्होंने तुरंत उस पर छलांग लगाई और कुछ ही सेकंडों में उसे अपने तेज छोटे दांतों से नष्ट कर दिया। डग ने अपने बाकी खिलौने जल्दी से इकट्ठा किए और उन्हें पिल्ले की पहुंच से बाहर रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि वह सफल हो गया है, एक चालाक गिलहरी प्रकट हुई। डग को विचलित करके और पिल्लों को उनके हमले का मौका देना, उन्होंने उसके खिलौनों का जल्दी से काम तमाम कर दिया। डग के पास सिर्फ एक प्रिय खिलौना छोड़ दिया। इसे हर हाल में बचाने का संकल्प लेकर डग ने कार्रवाई में कूदकर पिछवाड़े में जो कुछ भी मिला उससे एक आपातकालीन बाधा बनाने की कोशिश की। पिल्लों के सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद वे उसके किले को भेद नहीं पाए और डग ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी जीत अधिक समय तक नहीं टिकी क्योंकि गिलहरी फिर से लौट आई। इस बार वह डग के यार्ड में पक्षी के खाने की तरफ देख रहा था। डग को हैरानी हुई कि पिल्ला डरकर सिकुड़ गया, गिलहरी को खुद को खाने की इजाजत दे दी। ईस्ट अपने युवा साथियों को कुछ बहादुरी सिखाने का मौका महसूस करते हुए डग ने भौंक कर उन्हें पीछा करने के लिए उकसाया। डग के नेतृत्व में पिल्लों ने अपनी हिम्मत जुटाई और गिलहरी को दूर भगा दिया। डग की बहुत खुशी की बात थी। आखिर में गिलहरी ने हंगामे से तंग आकर मौके से भाग गई, छोड़ गई डग और 5 पिल्लों को विजयी। रोमांचक पीछा करने से असंभावित दल एक दूसरे के और करीब आ गए और उन्होंने बाकी दोपहर यार्ड में खुशी खुशी खेलते हुए बिताई। जैसे ही सूरज ढलना शुरू हुआ, मिस्टर कार्ल पिल्लों को लेने और घर ले जाने के लिए पहुंचे। डग का दिल इतनी जल्दी विदा लेने के ख्याल से बैठ गया, उसे अपने नए खेलने वाले दोस्तों से कुछ ही समय में लगाव हो गया था। लेकिन पिल्ले जाने से पहले कुछ अद्भुत हुआ। एक बार जो डग अपने खिलौनों की सख्ती से रक्षा करता था, उसने विदाई उपहार के रूप में पिल्लों को अपने पसंदीदा खिलौने सौंप दिए। ये एक छू लेने वाला इशारा था जिसने उनके बीच बने बंधन के बारे में बहुत कुछ बता दिया। उनसे थककर चूर हो गए दिन भर की उत्तेजना से, एक संतुष्ट मुस्कान के साथ उसके चेहरे पर सो गया। शहर के वर्षगांठ समारोह के अगले दिन डग और मिस्टर कार्ल पिछवाड़े में बैठे पिछली रात की मस्ती के बारे में याद करते हुए श्री कार्ल ने अपनी दिवंगत पत्नी की यादें साझा की और डग ने ध्यान से सुना, साथ में किसी को पाकर खुश। जैसे ही सूरज ढलने लगा, मिस्टर कार्ल ने डग से कहा कि आतिशबाजी शुरू होने में लगभग समय आ गया है। लेकिन जब पहला विस्फोट आकाश में गूंजा, डग चौंक गया, उसका डर हावी हो गया। वह यार्ड में इधर उधर भागा, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को गिराते हुए, और बेचारे मिस्टर कार्ल को भी डॉग डोर से घर के अंदर खींच ले गया। अंदर आते ही डग घबरा कर चक्कर काटने लगा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को गिरा दिया। उसका आतंक चरम पर पहुंच गया और वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। आतिशबाजी के दौरान डर के मारे गिरने के बाद डग अपने पसंदीदा खिलौनों से भरी एक सपनों की दुनिया में खो गया। लेकिन सपना एक डरावना मोड़ ले लिया जब उसने देखा कि मिस्टर कार्ल को चलते फूलों द्वारा ले जाया जा रहा था। फूलों को बचने की बेताबी में डग फूलों के पीछे भागा, जब तक कि मिस्टर कार्ल की आवाज से झटके से नहीं जाग गया। आतिशबाजी से अभी भी डरे हुए डग ने एक बार फिर से घबराना शुरू कर दिया। कार्ल साहब ने रेडियो की आवाज तेज करके उसे शांत करने की कोशिश की, पर वह काम नहीं आया। काम में एक हताशा के क्षण में डग ने मिस्टर कार्ल पर छलांग लगा दी और गलती से एक हेडसेट गिरा दिया जो उसके कान पर बिल्कुल सही उतरा। उनकी हैरानी के लिए हेडसेट से बजने वाले संगीत ने तुरंत डग को शांत कर दिया। आखिरकार आराम से डग और मिस्टर कार्ल एक साथ बाकी के आतिशबाजी प्रदर्शन का आनंद लेने में सक्षम थे। अगले दिन डग अपने पिछवाड़े में विभिन्न खुशबुओं का पता लगा रहा था। उसने फूलों की, मिस्टर कार्ल के कपड़ों की और यहाँ तक कि अजीब खुशबुओं को ले जाने वाली हवा की भी सूंघा। अचानक एक नई खुशबू ने उसकी नाक को गुदगुदाया। यह कुछ ऐसा था जिसे उसने पहले कभी नहीं सूंघा था और इसने उसकी जिज्ञासा को इस हद तक बढ़ा दिया कि उसने पक्षी का भोजन चुराने की कोशिश कर रही एक चुलबुली गिलहरी को अनदेखा कर दिया। डग की खुशबू के स्रोत को खोजने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वह अपने बैकयार्ड से बाहर निकलने के लिए बाड़ के नीचे खोदने लगा। दुर्भाग्य से मिस्टर कार्ल ने उसे काम पर पकड़ लिया और तुरंत उसे फटकार लगाई। हालांकि डग नई खुशबू के आकर्षण का विरोध नहीं कर सका और उस दुर्लभ सुगंध की तलाश में अपने मालिक के आदेशों की अवहेलना करने का फैसला किया। जैसे ही डग ने अपनी खोज जारी रखी, हवा में सिजलिंग सॉसेज की अविरोध्य सुगंध फैल गई, जिसने उसे खुशबू का पीछा करने के लिए उत्साहित किया। वह अंततः स्रोत पर पहुंचा और एक स्वादिष्ट सॉसेज का आनंद लेने के बाद अपने मिशन को जारी रखा। कुछ समय बाद डग ने आखिरकार उस खुशबू को ढूंढ निकाला जिसका वह पीछा कर रहा था। उसे हैरानी हुई जब उसे पता चला कि आवाज पास के एक जलते हुए घर से आ रही थी। डग ने तुरंत खतरे को पहचाना और अपने घर वापस दौड़कर कार्ल साहब को सतर्क करने चला गया। हालांकि उसका मार्ग एक बार फिर से सॉसेज की लुभावनी खुशबू से पार हो गया। हालांकि उसे स्थिति की तत्कालता का ज्ञान था, डग एक और सॉसेज लेने से खुद को रोक नहीं पाया और जल्दी से श्री कार्ल के पास वापस लौट गया। जल्दबाजी में श्री कार्ल को सूचित करने की कोशिश में डग को बाड़ पार करने में एक बाधा का सामना करना पड़ा। वह संघर्ष करता रहा जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी माला फंस गई थी और उसने खुद को छुड़ा लिया। अपने घर पहुंचकर डग ने पाया कि वह मिस्टर कार्ल से संवाद नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह अपनी पहचान का हार पहने हुए नहीं था। हालांकि डग ने हार नहीं मानी और जल्दी से एक संदेश देने का तरीका खोज निकाला। उसने एक रस्सी लाकर मिस्टर कार्ल को दी। रस्सी का उपयोग
प्रयोग करते हुए डग ने मिस्टर काल को जलते हुए घर तक पहुंचाया, जहां वे निवासियों को बचाने में सफल रहे। अपनी बहादुरी के लिए डग को एक हीरो के रूप में सराहा गया और उसके साहसिक कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया। अगले दिन श्री काल ने डग के पैरों के नाखून काटते समय उत्सुक कुत्ते ने बाहर दौड़कर अपने दोस्त रसेल से मिलने की कोशिश की। उसके आश्चर्य के लिए रसेल मिस्टर काल के घर के बगल में चले गए थे। जब वे मिल रहे थे, डग ने देखा कि रसेल एक स्वादिष्ट सैंडविच खा रहे हैं और उसने एक काटने की मांग नहीं रोक पाई। हालांकि जल्द ही उसका ध्यान भटक गया जब उसने बार्ट के पास एक गिलहरी देखी। बिना किसी हिचकिचाहट के डग ने गिलहरी की ओर दौड़ लगा दी। जब उसने महसूस किया कि वह गिलहरी की बोलचाल को समझ सकता है तो वह चकित रह गया। पता चला रसेल ने अपने पशु मित्रों के लिए मिलते जुलते हार बनाए थे जिससे वे एक दूसरे से बात कर सकें। दुख की बात है, रसेल की माँ ने उसे घर बुला लिया, लेकिन उससे पहले रसेल के जाने के बाद उसने दयालुता से अपने सैंडविच का शेष भाग डग को भेंट किया। थोड़ी देर बाद डग ने एक आवाज सुनी जो उसे चिढ़ा रही थी। कह रही थी कि उसे रसेल का सैंडविच नहीं मिलना चाहिए। जल्द ही गिलहरियों और पक्षी सैंडविच छीनने के लिए आगे आए। एक हाथापाई हुई जिससे सैंडविच जमीन पर गिर गया। पक्षी और गिलहरी ने एक दूसरे से सैंडविच के लिए विनती की। प्रत्येक ने अपने कारण बताए। पक्षी ने वादा किया कि वह इसे अपने भूखे बच्चों को खिलाएगी, जबकि गिलहरी ने इसे सर्दियों के खाने के भंडार के रूप में जमा करने का योजना बनाई। गिलहरी और पक्षी ने डग के साथ अपनी कहानी साझा की। उन्होंने रोजाना खाना और पानी ढूंढने की अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। पानी यह डग के आरामदायक जीवन के विपरीत था, जो एक पालतू जानवर के रूप में हमेशा अपने मालिक द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं से लैस था। डग ने सुना तो उसे एहसास हुआ कि पालतू जानवर होने का मतलब है कि उसे कभी भी जीवन के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। इस नई समझ के साथ डग ने उदारतापूर्वक भूखे जानवरों को अपना सैंडविच दे दिया। दूर से मिस्टर कार्ल और रसेल ने गर्व के साथ देखा जैसे उनकी डक को आभार और साझेदारी के बारे में सिखाने की योजना परिणति को प्राप्त हुई। उन्होंने डक को यह दिखाना चाहा था कि हमारे पास जो है उसकी सराहना करना और उन लोगों की मदद करना महत्वपूर्ण है जो उतने भाग्यशाली नहीं हो सकते। डक की दयालुता से प्रभावित होकर मिस्टर कार्ल ने डक को अपना सबसे अच्छा दोस्त घोषित किया। इस श्रृंखला से नैतिक पाठ उत्साह और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना, हमारे कार्यों के प्रति सजग रहना और दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाने का है। सही काम करने की ज्यादा कोशिश करने से अनचाहे परिणाम हो सकते हैं।